चलाते हो, नीचे आग लगाते हो, तो बताओ पहले दूध जलता है पानी जलता है? जल गया पानी। और जैसे पूरा पानी जलते दूध क्या करता है? कढ़ाई से बाहर आता है, फिर क्या करते हो? हाँ, वापस पानी डालते हो। लगे कढ़ाई से जल्दी। अब ऐसे करोगे तो देखो कई लोग जैसे करते पानी अब आता है क्या होगा गुबूर बाहर तो फिर दूर आ गए। अगर खूब करोगे तो दूर दूर था फिर भगवान बहुत कैसे करेंगे महाराज जी। इंसान का स्वार्थी है। आप इतना तो देखो, अगर पानी में मक्खी गिर जाए तो क्या निकालो बताओ? बताओ मक्खी पानी गिराओगे तो मक्खी देख बताओ? अगर घी में गिर जाए तो बोलो क्या क्या है? क्यों अरे बोलो क्यों सुनो बातें बातें करने के बाद एक्सप्लेन लिखा हुआ है हजार कीमत। जब तक आप दुनिया के काम के हो तब तक आपके पहुंच जाए, जब तक काम के नहीं होंगे उसके बाद दुनिया गेट को बाद में बनी के चेहरों पर लाख निशान होते हैं और बनी से बिगड़ के दूसरों हजार होते हैं। जब तक आपकी चलती है ना भैया तब तक है दुनिया। जब तक पैरों से चले ना तब तक परिक्रमा कर लेना, आंखों से दिखे ना तब तक भगवान का दर्शन कर लेना, जब तक है ना आई के दाम दान कर देना। हाँ पता नहीं देख के श्राद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे मरने के बाद, मरने के बाद श्राद्ध होगा कि नहीं, फोटो लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं, फोटो लगे तो बारह महीने सफाई भी नहीं होगी। हाँ छुट्टी भी कर देना। कई लोग तो मारवाड़ी से जब फिर कई लोग तो आपका जीता जी सोच कर दिया बाहर लोगों को भी भोजन पे नहीं करवा दिया। तो राजा रानी रोज भगवान का पूजन करते थे शंकर भगवान का। अब देखो राजा था ना राजा, वो अपने हाथों से बहुत भगवान को भोजन बनाता था। ध्यान से सुनना बोलो जय श्री, पीछे वाले बिल्कुल अकड़ के बैठे हैं जय श्री। और आपको पता है गुरुजी जो पढ़ाता है सबसे नजर किस पर रहती है बताओ? आगे वाले फ्री है और आगे कौन से बच्चे बैठते स्कूल में? आगे जो जो बच्चे आगे बैठते मतलब वो इंटेलिजेंट है, उन चार बच्चे आगे बैठते कमजोर बच्चे, लेकिन आगे गुरुजी क्या कहते कमजोर को भी आगे बिठा लेते बैठ, तो पीछे बैठते भी बाद में आए पहले आओ पहले आओ। तो ध्यान से सुनना, राजा और रानी, राजा था ना राजा, वो राजा था लेकिन फिर भी राजा रोज अपने हाथों से भगवान को भोजन बना के खिलाता था। सोचो आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, जो चीज कभी नौकरों से मत करवाना। और चैनल के माध्यम से सुन रहे देश और विदेश के सभी श्याम प्रियों में से कहूंगा, पूरी दुनिया सुन रही है समय चैनल इस कथा को, फिर ही कथा चैनल पे आएगी, फिर हम आपको बता देंगे, फिर घर में बैठ के आप देखना अपने आप को। दो चीज कभी नौकरों से मत करवाना, मेरी प्रार्थना मेरी गुजारिश है, एक तो माँ बाप की सेवा कभी नौकरों से मत करवाना और एक भगवान की पूजा कभी नौकरों से मत करवाना। हमने माँ बाप के लिए नौकर रख दिए साहब, इतने बड़े हो गए हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है, मत करवाना मत करना। तू नहीं कर सकता है तो माँ बाप की नौकरी की क्या, मेरे पास फुर्सत नहीं है। भगवान नौकरी भगवान की आरती करते हैं, अरे डूब के मर जिसने तुझे। उसका शुक्रिया अदा कर। दो चीज कभी नौकरों से मत करवाना, पता लगेगा। और एक बात कहूं आपको,
माँ बाप के जीवन में केवल दो बार आंसू आते हैं भैया, माँ बाप के जीवन में केवल दो बार आंसू आते हैं। कब? एक तो जब उसकी बेटी ससुराल विदा होती है ना, तब माँ बाप बहुत रोते हैं। और एक आपने मेरे बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, वो बहू आएगी उसके साथ बाप को छोड़ कर चला जाएगा ना, माँ बाप बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। और मेरी व्यासपीठ से आग्रह है, आप सभी से हाथ जोड़ के वंदन करते हुए आग्रह है, अपने माँ बाप को कभी भी एक भी आंसू मत देना। जिस दिन आपके माँ बाप की आंखों से आंसू गिर गया, आपकी समस्त आपने कितना दान पुण्य यज्ञ तप तप सब कुछ है, सब खत्म हो गया। सही कह रहा हूँ? गणेश जी को क्यों पूछते हो? संसार की परिक्रमा का नंबर आया, गणेश जी बुद्धिमान नहीं थे क्या? अगर बुद्धिमान थे तो उसने निर्णय ये क्यों लिया माँ बाप की पूजा का? उनके पास सब सिद्धियाँ थी, कैसे भी सबसे पहले आ सकते थे। उसने कहा मेरे माँ बाप से बड़ा संसार में कोई नहीं है, माँ बाप की पूजा करो करो करो। अपने हाथों से भोजन, और भैया जब भगवान को भोग लगाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कई लोग तो भोग भी बड़ा विचित्र लगाते हैं साहब, लेट हो रहे हैं साहब जी। फिर बताओ भगवान क्या करते हैं? सुनो आगे, सुनो आगे। मान लो रसगुल्ले हो, कलाकंद हो, रस मलाई हो, भगवान सोचा तो कुछ वाले कुछ खाने को मिलेगा, और ले गए। अब फिर आप क्या करते हो? आप मेहनत करते हो सुबह शाम तक, फाइनल मोड में होता है आया, अब तेरे को मिलेगा। तो मुझे ललचा तो नहीं, तुझे ले जाऊंगा, ये तो लेने का देना है, तो मालिक है दुनिया का, उसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, उसे सब कुछ पता है। कई लोग ऐसा करते साहब, गर्मा भाई अपने राजस्थान की गर्मा, गर्मा 13 साल की थी ना, जब उसके माता पिता मकराना तहसील की नागौर मारवाड़, मकराना नागौर कालवा गांव में 20 अगस्त 1615 को जन्मी कर्मा, कोई दूर की बात नहीं है। अभी कितना चल रहा है? 18, और ये 1615 की बात है, 20 अगस्त कर्मा भाई का डेट ऑफ बर्थ। और वो उस समय से नहीं बीता, माता पिता पुष्कर गए थे, तो बेटा भगवान को भोग लगा के खाना, क्या कहा? भगवान को भोग लगा के खाना है कर्मा, पहले भोग लगाना उसके बाद खाना। तो चले गए, अब मैं हम 2-4 दिन में लौट के आएंगे कर्मा, ध्यान रखना भगवान को भोग लगाना, पहले ठाकुर जी खा ले उसके बाद खाना। साहब बेचारी भोली थी, खाना बनाया, और खाना बना के जैसे उसने ले जाकर रखा, और जैसे ही रखा तो ठाकुर जी वैसे ही खड़े थे। बस उन्होंने कहा प्रभु मेरे से शर्म आती होगी आपको, लोग पापा जी पिताजी मेरे डैडी मेरी माँ मेरी माँ ऐसे बोलती ना, और फिलहाल में आपको शर्म आ रही होगी तो मैं बाहर चले जाती हूँ। बेचारी 2 घंटे बाहर चली गई, फिर भी वो खाना नहीं खाए। उसने कहा हो सकता है मैं 2 रोटी रखी हूँ, तुम राम जी भी हो, लक्ष्मण जी भी हो, सीता जी भी हो, हनुमान जी भी नीचे बैठे हैं, हनुमान जी भी नीचे बैठे हैं, हो सकता है संख्या ज्यादा है, 2-2 के हिसाब से संख्या और बढ़ा देती हूँ। तो बेचारी 8 रोटी लेके आ गई, 8 रोटी भी रख दी, फिर भगवान ने खाई। बड़ी समस्या अंत में भगवान के सामने जित कि प्रभु अगर तुम नहीं जीमोगे ना। अब देखो भक्त का एक भगवान के प्रति भाव, अब क्या कहते हो? तू जीम जब मैं जीमू मां थाली भर कर लाई पेटड़ो ऊपर की बारी जीओ मारा सावधानी मारे
फट कर भैया साहब कि मुझे तो श्रृंगार चाहिए। राधा ने कहा, रानी वो श्रृंगार किस काम का जिससे हमारी भगवान की भजन छोड़ जाएगी। राजा कहते, रानी श्रृंगार का चक्कर छोड़ दो, धन का दास कभी भगवान का दास नहीं बन सकता। रानी छोटे को देखकर क्यों बड़े को देखकर बढ़ो। आप जब मंदिर जाते हो तो सबसे पहले क्या बजाते हो जोर से? घंटा जोर से बजाते, टन। हर कोई आदमी आता है बजा के जाता है, वो बड़ा इसलिए हर कोई बजाता है, और छोटी सी घंटी भगवान के चरणों में रहती है, वो केवल भगवान की सेवा के समय ही बजती है। छोटे से भगवान के चरणों में, बड़ा है कोई बजाता, छोटी है ना, वो केवल भगवान के भोग के समय आरती के समय ही बजती है। छोटे को देखकर क्यों बड़े को देखकर बढ़ो बेटा। राजा ने कहा, रानी छोड़ दे, कोई फायदा नहीं, धन का दास कभी भगवान का दास नहीं। एक मछली थी, फिर ज्योतिषी के पास गई। कौन कौन गई बताओ? महाराज क्यों पागल बातें करते हो, जो मछली भी ज्योतिष के पास जाती। एक मछली गई, उसे जाकर बाबा मैं बड़ी दुखी हूं बताओ इलाज। तो बाबा ने संत ने बताया, क्या था? तेरे दुख का ही कारण है, तू पानी से बाहर आ गई है इसलिए दुखी है, जा वापस पानी में चली जा, सुखी हो जाएगी। हम इसलिए दुखी है भैया, भगवान से दूर आ गए, श्याम की चौखट को छोड़ के आ गए, वापस श्याम के सर में जाएंगे, आनंद हो जाएगा। श्याम शरण में जीवन आसान हो रहा है, श्याम शरण में जीवन अच्छी मार्केट में साड़ी आ जाए,
तो सांप से जी ला के दे तो पता है क्या होता है, या तो शाम को सब्जी में नमक ज्यादा मिलेगा नहीं मिर्ची मिलेगी, खाना तो खा लो हमसे देसी बन के नहीं बना लो। बस तीन शब्द है और बात मत करना। मेरे गुरु जी के पास गई थी, संत महात्मा की कथा सुनी थी, वो कहते शांत रहो मौन, बस मौन से ज्यादा कुछ नहीं करने का। और जब पति पत्नी लड़ेगा तो शांति बहुत होती है। जय श्री सब बातें नहीं करूंगा कथा कहूंगा। जय श्री रानी नहीं मानी तो राजा ने दूत को पत्र लिखा कुबेर जी के दूतों को, कुबेर जी के दूत बहुत सारा और लेके आए खजाना राजा को क्या, राजा ने कहा जाओ रानी को दे दो। और रानी ने बाल बाल में मोती पोए था, बहुत सुंदर सजी रानी। पर सोमवती अमावस का दिन आया, राजा रानी ने कच्ची मिट्टी का घड़ा लिया और जैसे रूपावती नदी में जाकर डुबोया तो बड़ी विचित्र घटना हो गई। क्या राजा का तो स्वर्ण हुआ रानी आ गया भो, चौंक पड़ी रानी तरी किन कर मोगा मो। रानी रोने लगी, रानी का खो गया, राजा का सुनी था। राजा ने कहा रानी सब श्रृंगार का जोग है, है? तुझे भगवान को छोड़ दिया, जब ज्यादा धन आता है ना बहुत ज्यादा तो भगवान उसकी पूजा छीन लेते हैं, तो भगवान से सबसे पहले दूर भगवान से होता है। बहुत कम भक्त होते तो बैलेंस को बराबर रख के चलते हैं, बैलेंस बराबर रख के चलते। जय श्री, कई भक्त तो कथा के इतने प्रेमी भी होते हैं भैया, हाँ कई भक्त कथा के इतने प्रेमी तो कितनी दूर दूर से आ जाते हैं, कोई कहां से कोई कहां से कोई कहां से। बार जय श्री राम को विमल जी लोहिया साहब ने वो सारिका जी ने मिलकर वो बहुत बड़ा आयोजन करवाया था, पर मुझे मैसेज मिला कि तीन दिन पहले सारिका जी आए हुए हैं, तीन दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तबीयत खराब चल रही थी, बाहर गया तो खाटू जाते हैं, मेरी पहले को लगा मुझे खाटू में हुई थी, तो वो खाटू तबीयत खराब थी बाबा के खाटू में, और कल वहां से सीधे कलकत्ता, कलकत्ता सीधा इलाहाबाद सुनने के लिए आ गए। सोच ये कोई प्रेम है इतने दूर, और बाबा की इतनी बड़ी कथा आप लोगों ने करवाई, आपका ये काम है तो आपके लिए और विमल जी के लिए विद्यास को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर दी। आप दीर्घायु स्वस्थ हो, आपका यूं ही श्याम के प्रति प्यार बना रहे, आप सदैव मुस्कुराते रहो, भगवान की खूब कृपा है। इतना चिंतन करते भगवान के बारे में, जब भगवान का ही चिंतन करते तो भगवान को इतना चिंतन करना ही पड़ता है, लोग कहां। जय श्री कथा प्रेमी बनो भैया। राजा रानी ने कहा कि प्रभु अब आगे बताओ, खाटू के बारे में बताओ। अब खाटू के बारे में भैया, खाटू वो लोग जाते हैं जिसके बाबा का बुलावा आता है, जो किस्मत वाले लोग होते हैं वो खाटू जाते किस्मत वालों को मिलता है मेरा I'm
तो गांव वालों ने सोचा बाबा को वापस मंदिर में
देवरी में वापस बाबा को बिठाया जाए। अब हुआ क्या, उस समय ये पूरा का जो अपना शेखावाटी अंचल है पूरा, हम आप और जैसे मैं रतनगढ़ का हूं, सूरत रहता जरूर हूं लेकिन रतनगढ़ का हूं, आज भी गांव जाता हूं बहुत बार जाता हूं घाम तो गांव। तो पहले ये पूरा का पूरा जो है ना ये जोधपुर रियासत करती थी जोधपुर, और जोधपुर में उस समय राजा थे अभय सिंह, और उस समय अभय सिंह और उनके बड़े भाई बक्स सिंह का आपस में युद्ध चल रहा था सत्ता का, और पैसा दोनों के पास नहीं था। तो गांव वालों ने कुछ निर्णय किया, एक काम करते हैं हम जोधपुर जाते हैं और कुछ धन लेंगे उनसे, धन लेंगे तो उससे हम बाबा का मंदिर बनाएंगे। अब सोचो धन से बाबा का मंदिर बनेगा, अगर कहीं दान लेने के लिए हम जाते तो पहले सोचते अच्छे आदमी से दान लेंगे, भैया वो जाते मना नहीं करता है, आपने भी कोशिश की होगी इस आईडी जो श्री श्याम सरकार महिला समिति ने कायदे से इस आयोजन को दिया था, तो उनके मन में भी विचार आया होगा, आपने भी कहीं उसे जिक्र किया होगा इस आयोजन को करना कैसे करना है, कौन कौन दानवीर है, कौन कौन सेवा कर सकता है बाबा के ख्याल को आया ही, क्यों अकेले का आयोजन है नहीं, सबका मिलकर किया होगा, अकेला करना बड़ी बात लेकिन सबको मिलकर साथ करना सब बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने सोचा, सबने सोचा एक काम करते हैं हम उनके पास जाते हैं, राजा अभय सिंह के पास जाते हैं, राजा अच्छा अभय सिंह, उनको कहा आओ विराजो, पहले खाना खाया प्रसाद खाया, प्रसाद प्राप्त किया, प्रसाद का मतलब क्या होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद राजा ने पूछा क्यों आए हो, बताओ कारण बताओ, कोई घर पे आए ना तो आते मत पूछना क्यों आए, पहले चाय पानी नाश्ता ठंडा सीखो, ये भारत की संस्कृति है। तो राजा ने कहा हाथ जोड़ी कहा कैसे आगे बनवाओ, उनका हम बाबा श्याम का मंदिर बनाना चाहते हैं और मंदिर बनाने के लिए थोड़ा धन चाहिए, पैसा चाहिए हमें पैसा चाहिए। अब राजा ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, खजाना पूरा खाली हो गया है, पर तुम अपने लिए तो मांगने नहीं आए हो, तो बाबा श्याम का मंदिर बनाओगे, मंदिर के लिए मांगने हो, बस राजा ने कहा कल सुबह सोच के बताता हूं, क्या कहा कल सुबह सोच के बताता हूं। अब रात के समय राजा अपने महल में आए ना, तो आज राजा बड़ा उदास थे, तो रानी ने राजा को कहा, जो जयपुर के महाराजा जय सिंह की सुपुत्र थी उसकी रानी थी, उसने राजा को उदास देखा ना, तो राजा को हाथ जोड़कर कही, वो कहती है सुनो मैं आपके चरणों की दासी हूं, आप मेरे से बात छुपाओगी, आप बताओ आप क्यों उदास हो, आज ऐसी कौन सी समस्या तुम्हें घेर लिया, हे स्वामी आप मुझे बताओ मैं आपकी दासी हूं, मैं धर्मपत्नी हूं आपकी, लेकिन मुझे बताओ कि आज बड़े उदास लग रहे हो, कोई जेठ सा से बात हो गई या किसने कुछ कह दिया। बार बार रानी ने पूछा ना, चरणों से लिपट कर कही, कहती है राम जी स्वामी मुझे बताओ क्या बात है। तुम राजा कहते सुनो रानी, तूने अपने बाप से पूछा तो सुन, खाटू से कुछ लोग आए और धन मांग रहे हैं और वो वहां बाबा का श्याम का मंदिर बनाना चाहते हैं, और सुन रानी मेरे पास तो धन है नहीं, मेरा तो खजाना पूरा खाली है, मेरा पूरा खजाना खाली, रानी मैं कैसे धन दे सकता हूं। अब रानी क्या कहती है सुनो, रानी कहती सुनो एक काम बता, जब नारियल की पूजा होती है ना वहां देवता नमन करते, आज तो लोग नारियल पर हाथ छोड़ते, वो बुजदिल लोग है भैया, नारी भी मेरी व्यासपीठ आग्रह करती है चैनल के माध्यम से देख रहे सभी, कितनी बड़ी देखो एक छोटी सी बात को, उस समय रानी नहीं बोलती तो राजा संकल्प से चूक जाता,
क्यों? देखो अच्छा काम उन्हें तुरंत कर दिया करो और बुरा काम कल पे टाल दिया करो, कल कर दिया, आज टाइम नहीं है, बुरा काम कल कर, एक सब में जाना कल जाएंगे भैया, सत्संग में जाना चलो भैया अभी चलो, नाश्ता करना बाद में कर देंगे, भजन करना पहले कर देंगे। इसलिए दिल खोल कर काम किया करो। जैसी बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण होगा, कोई भी आपकी मांगने के लिए आए ना, देखो ये बात बोलू, मांगना तो मरने से भी बेहतर करना है, मांगे जाता है जैसे ऐसे मांग सकते हो, मांगना बहुत अपने कार्य मैं कभी नहीं मांगूंगा, लेकिन दूसरे के लिए मुझे मांगने में कोई हरकत नहीं है। हर जी को भगवान का दर्शन करो भैया। नामदेव जी थे, नामदेव जी कई दिनों से भूखे थे, एक भक्त थे नामदेव जी, हर जी को भगवान का दर्शन करते थे। नामदेव जी बहुत दिनों से भूखे थे, एक रोटी बनाई अपने हाथों से, और जैसे रोटी बनकर तैयार हुई अंदर गए, एक कुत्ता आया स्वान लेकर भाग गया। अब नामदेव जी उसके पीछे दौड़े, था डंडा लेके नहीं, घी का कटोरा लेके दौड़े, क्या लेके? घी का कटोरा लेके दौड़े कि लो ये लुच्ची है चौपड़ के खाओ। हे मेरे भगवान, आज आपने भोग लगा दिया, आज आपने आरोप दिया, आपने भोग ले लिया, अब लुच्ची है चौपड़ के खाओ, आज मेरे गोविंद ने मेरा भोग ले लिया। सोच आज का व्यक्ति डंडे लेकर मारता उसको, वो जब तक पाँव मुँह नहीं करता उसका पीछा नहीं छोड़ता, और अगर देख लेता तो उसने उसने भी कुत्ते ने रोटी ली थी, जीवन भर उस कुत्ते को याद रखता, इसने उसने उसने रोटी लेके खाते दान लेकर भूल जाना चाहिए, और उपकार करके भूल जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को आपने बचा दिया तो भूल जाना, दान लेकर भूल जाना। एक व्यक्ति था मर रहा था, किसी ने उसको बचा लिया, जिसने बचाया वो रोज कहता कल मैं नहीं होता तो तू मर जाता, 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 तू मर जाता, उसकी का अच्छा होता तो मर ही जाता। अच्छा पता वो तो मन कहता कि रोज रोज की बातें तो नहीं सुनी, जीवन को एकदम खा करके रखा, मिलता नहीं कहता, मन नहीं होता तो मर जाता, मर जाता पीछे छुटता है, कह लो तो ऐसे करते हो, मैंने वहां दे कर वो ये श्याम सरकार महिला समिति वाले मेरे पास आए थे, मैंने कह दिया कर लो पढ़ लो प्रोग्राम, हो गया हो गया, मैं जाता वाता कहीं नहीं हूं, आए थे आए थे, मैंने दिया था सबको, बोले थे आए थे दान देते, मुझे कहा बोले थे आधा घड़ा होता ना आधा घड़ा बड़ा उसने कुछ करो, वो क्या है कौन सी कहावत, वो कौन सी नगरी छलकत जा रहा है, आप बताओ थोड़ी तो बातें होनी चाहिए ना, जब जब थाना लालसी पंडित जी अपना नामा नहीं है मुस्कुराओ ऐसे, देखो ये छोटी सी है ना, ये लकड़ी में ये दूंगा ना तो आप तोड़ दोगे, और 50 माला बना के तो तुम नहीं तोड़ पाओगे, तो एक साथ बोला करो ना, और कल धर्मोत्सव कल खुद भी आना, कस कस तोड़ लेके आना, महाराज जी हमारे गाने लिए मान सकते, कोई पड़ोसी गाने लिए भी हमारे पड़ोसी से बोलचाल बंद है, राइट? अरे इंसान दूसरे को अरे खुश कर लेता पड़ोसी नाराज, अरे घर की लड़ाई कैसी होती है, उसने थोड़ा कचरा डाल दिया, पड़ोसी से अच्छा रिश्ता होना चाहिए, घर बाहर जाओ ना
तो घर की चाबी देके जा सकते, ऐसा रास्ता होना चाहिए। महाराज चाबी तुम्हें छोड़ा नहीं देंगे वहां के पास। चाबी चुपे की बात मत कर लिया गया, कथा सुनाने कथा हो और की बात मत कर यहाँ बोल दिया यहाँ पश्चिम बंगाल का तो फिर पश्चिम बंगाल का मैं भी दूसरी जगह पुणे आयो मैं थारू थारू बटन आयो है वो कहने के बजा के भाई जूटो थारू जिंदगी है ना। माँ के पांच बच्चे होते हैं तो वो उसका जूठा उसका जूठा जूठ के वो दूध पीते हैं क्या ठेठ मारवाड़ी बोल रहा हूँ उसकी तो आपको थोड़ा हो सकता है महाराज कुछ बावली बातें कर रहे हैं। मैंने अपने दोनों में कथा की मेरे गांव में मेरे 2010 में भागवत थी अभी की एक महीने पहले मेरी प्रथम में बहुत 4000 महिलाओं की निशान यात्रा निकली कितनी चार लोगों ने कहा महाराज 4000 कहां से आ गए। मैंने कहा गए और आ नहीं गए आप उसके पूरे शूटिंग की हम चैनल में देखा हुआ कार्यक्रम लाइव चल रहा बहुत आए तो वहां मैंने कथा पूरी मेरे गांव में मैंने मारवाड़ी नहीं बोली मैंने पूरी कथा हिंदी में लगी। उसने कहा महाराज जी मारवाड़ी में बोलिया तुम लोग घर को छोड़ो बाहर को भी घर को छोड़ो घर को छोड़ो कुछ तो बड़े भगत बन जाए कुछ घर का बनवा देने हाथ इतनी राम बोली माने फोटी कर रहे सही बात है बाहर नहीं अपने स्थिति को पहचानो अपनी भाषा को पहचानो अपने मर्द को पहचानो। हिरण है हिरण के पास क्या होता है बताओ लेकिन वो भटकता है वो भटकता है उसको पता है मेरे पास है लेकिन उसको घूमता है उसको पता उसके अंदर है लेकिन वो घूमता है। तो संसार की सब सत्ताएं आपके पास है क्यों भटक रहे हो क्यों भटके मन भाव रहे क्यों तो रोता है सामने का प्रेमी होकर तू धीरज क्यों खोता है हम तो बाबा के प्रेमी पहले कीर्तन करो भगवान का भूखा भजन नहीं हुए नंदे लाला ये तेरी कंठी है तेरी आज 56 लोग आए हुए मेरे पास मैं तो खुश उनको देख देख के बोल रहा हूँ मुझे पता कुछ ना कुछ मिलेगा सामने पास पक्का उनका देख रहा हूँ तो पास मेरे पास बड़े ज्यादा इधर भी इधर भी तो खुशबू आ रही है। तो अन्न क्षेत्र बनाने का विचार हमने किया है क्या होना चाहिए वहां चाहिए खाटू में जब खाटू जाओ तो कहते बाबा का भोग लगे और आप सब लोग बैठ कर और मेरे एक इच्छा और भी है वहां पर मैं ये चाहता हूं कि वहां एक गाय पाले जो भी व्यक्ति वहां जाए सबको गाय का दूध मिले सुनो सबको गाय का दूध मिले गाय का घी सब चीज जो गोबर थे खूब मस्ती से खाओ पियो भगवान का भजन करो किसी से कोई नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमने सोचा है कि भूमि दें भूमिदान तो अगर आपकी किसी श्रद्धा हो भूमिदान अगर आपको करना हो भूमिदान से बड़ा कोई दान नहीं है। महाराज जी बात तो सही कही थे लेकिन सोचना पड़ती सोच रहे अभी चाहते हैं सो बात सोच रहे दान दे देकर सोना नहीं दान दे देकर रोना अगर आयोजन में आपने जो सहयोग दिया है किसी को बताना मत मैंने इतना सहयोग दिया दे दिया बाबा ने और एक बताऊं इस आयोजन इस कथा में उसी व्यक्ति का पैसा लगेगा जिस पर बाबा की कृपा है। पैसा बहुत पड़ा है घर में लेकिन आप सुंदरकांड नहीं करवा सकते घर में लोगों का पैसा तो बहुत पड़ा तो भूमि दान हेतु आप सहयोग कर सकते हैं। हमने विचार किया एक गज भूमि का 11,000 रुपये 2 गज का 21,000 रुपये ऐसा गज के हिसाब से बांट दीजिए ताकि हर आदमी आराम से जय श्री। तो ये जो खाटू नगरी है ये किसकी है श्याम बाबा की। श्याम बाबा को किसने प्रकट किया ये भक्त प्रहलाद की नगरी ध्यान से सुनो किसकी है भक्त प्रहलाद की। कैसे एक राक्षसी थी उसका नाम था ढूंढा और ढूंढा का दूसरा नाम था होलिका। तो उसके पास
वो चल गई। उमा कहूं में अनुभव बना सत हरि भजन जगत सभी सतना। जा पर कृपा श्याम की होई ता पर कृपा करई सब कोई। और खाटू को यहाँ किस बनते हम कहते हैं ना बाबा को रोज कहते हो आप धन्य ढूंढा रो दे खाटू नगर सुना अनुपम छवि श्याम की दर्शन से कल्याण। ढूंढा नाम की तो ढूंढारी भक्त प्रहार का नाम है ढूंढारी। उसको क्या बोलते हैं गुंडा प्रदेश। तो भक्त प्रहलाद की नगरी भैया। और भगवान का भक्त हो और वहां भगवान आए तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान को भक्त ही बुलाते हैं ना। तो किसकी नगरी है ये भक्त प्रहलाद की नगरी। आगे चलो भगवान चंद्र कहते हैं सुनो मां जो व्यक्ति खाटू जाता है उसका भाग्य बदल जाता है। कैसे और जो खाटू जाता है खाटू जाते ही देखो खाटू की तीन चीज आपके घर में होनी चाहिए। चाहे देख सकते हो खाटू की माटी एक श्याम बाबा की भगवती करके देख लेना और एक श्याम कुंड का पानी तीन चीज। कोई देखो कोई भक्त होता है उसकी निशानी जरूर होती है। किसी की तिलक निशानी होती है इस संप्रदाय से। किसी कंठी हमने इस गुरु से दीक्षा लेते हैं हम श्याम के भक्त है तो तीन चीज होनी चाहिए। तो आपके घर में श्याम बाबा की भगवती होनी चाहिए जय श्री श्याम बोलो ना दोस्त जय श्री एक दर श्याम कुंड का और तीसरा खाटू की माटी ये आपके घर में होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो इस बार जाओ तो लेके ये बात लेके छोटी सी मान लेना। माने तो आपकी मर्जी है नहीं माने तो बाबा की मर्जी। जो व्यक्ति खाटू जाता है उसके भाग्य बदल जाता है। जो व्यक्ति और एक बात जब खाटू जाओ तो सबसे पहले मृत्यु को उठाकर माथे पर लगाया करो। जब खाटू जाओ एक बार करके तो देखो एक बार करके उस उठाकर माथे पर लगाया दुनिया पागल तो कहेगी है ना हम ऐसे कौन सा सही है पागल। मैंने कहा ना मैं आगे बताऊंगा दो पागल होते हैं एक दिमाग का पागल होता है दिल का पागल होता है। तो दिमाग का पागल होता है उसको पागल खाने ले जाते हैं तो दिल का पागल होता है उसको खाटू ले जाते हैं वो खाटू जाते हैं। तो दिमाग का पागल होता है वो पागल खाने ले जाते हैं। जो व्यक्ति खाटू जाता है उस मिट्टी को उठाकर माथे का श्रृंगार करता है या वृंदावन जाता है तो सरज के रोड वोट नहीं होते हो क्या बड़े सरज में तो जाओ खाटू तो मिट्टी उठाकर माथे का दुनिया पागल कहीं तो कहीं कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं क्या। और फिर आप देखो प्रॉब्लम कहां होती है। अच्छा खाटू जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो बताओ आप गोलगप्पे खाते हो माता 1100 से 1100 ऋषि ऐसे ही हो जाता है कुछ मिलने वाला है नहीं। 11 जब खाटू जाओ तो सबसे पहले खाटू जाते आप क्या करते हो बाबा का दर्शन करते हो ना। चलो ठीक अब एक बात पूछू अरे इधर नजर आती नहीं चलो इधर नहीं देखो बाबा का दर्शन करते हो तो क्या पहले स्नान करना चाहिए श्याम कुंड में भी पहले दर्शन करना चाहिए बताओ। आप रोज पहले दर्शन करते हो नहाते पहले दर्शन पूजा करते कैसे करते हो कैसे क्या करते नहाने के बाद पूजा करते हो नहाने के पहले पूजा करते फिर नहाते हो। हम क्या करते गलती क्या कर बैठते हैं कि सीधे बाबा का दर्शन करो नहीं उस मिट्टी का श्रृंगार करो और जाकर श्याम कुंड में स्नान करो। क्यों अब तक आपके शरीर पर जो चीज थी आपका मन भाव देखो जैसा होगा मन जैसे कहेगा अन्य जैसा होगा। पहले लोग क्या करते
करते थे, पहले घरों में जो कोई आता था ना, सबसे पहले तो उसको पहले खाना खिलाते, पानी पिलाते, पहले खाना था। हमारे जजान खाते थे कि तेरी ऐसी होते हैं, अन्य बड़ी ताकत है, अन्य प्राण। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, शाम को पहले जल्दी स्नान करो। और देखो स्नान भी कैसे करना चाहिए, शाम का नाम आगे आएगा बताऊंगा मैं, लेकिन अभी बता देता हूं। जो पानी स्थिर हो, एक तो नदी बहती हुई नदी में आप अंदर जाकर स्नान कर सकते हो, तैरकर स्नान कर सकते हो, लेकिन जो पानी ठहरा हुआ हो वहां पर आम तैरो नहीं, गलत, उसको ब्रह्म हत्या का पाप है। अगर आप खाटू जाओ तीन बार, आजकल करो, आज नीचे डुबकी लगाओ, बस ओके, पांच लोटे बीच में जाकर पहले तो कुंडा सब कुछ वो पाथ की होता, दरिद्र होता, जन्मों जन्मों का पता नहीं होता है। आगे भीम भी यही करेंगे, मैं बताऊंगा कथा में। तो परवरी श्याम बाबा उनको भी दंड देंगे, मेरे दादा उनको भी दंड देंगे, गलत कर रहे हो। ठहरे हुए पानी में स्नान नहीं करना चाहिए, बाल्टी लेकर स्नान करो, या अंदर कूदते हो तो बस एक साधे सब सदे, सब साधे सभी, सौ बार डुबकी लगाओ तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, एक बार स्नान करो। और श्याम कुंड का पानी अपने पास रखा है। अगर जिस घर में लोग बीमार रहते हैं, सुनो, जहां बीमारी ज्यादा है, लोग बीमार रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, सुबह सुबह जब स्नान करें तो बाल्टी के अंदर एक बूंद श्याम कुंड की जल की डाल देने से। और जब बाबा का स्नान होता है ना अमावस के दिन, बाबा का तिलक चेंज होता है, अगर बाबा का जो स्नान किया हुआ जल अगर आपको मिल जाए तो मान लो आपकी लाठी लेके सही है ना, अगर आपको उसका सही यूज करना है तो आप क्या करो, जब सुबह स्नान करो। अब स्नान जो करते हैं तो कोई कितने बजे करो, कायदे से स्नान जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन जितने बजे करो तो पहले लोग तो गाना गाते स्नान करते समय नहीं, हर 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 महादेव भगवान संकट, लेकिन मन मन जैसे शाम के दिन स्नान करना चाहिए। और स्नान जब करते तो बताओ सबसे पहले जब स्नान करते जब जिस सर पर जब पानी डालते हैं तो उस समय भगवान का चिंतन करते हुए सर पर पानी डालना चाहिए। और आपकी कोई कामना बाबा मुझे स्वास्थ्य में लाभ देना, आप करके देखो। और जब स्नान होने के बाद थोड़ी सी माटी है ना, उस माटी में वो भस्म मिलाकर लगा लो, फिर देखो। और बाबा की जोत लो 21 दिन तक, सुबह सुबह जल्दी उठो, बाबा की जोत लो, और जोत लेने के बाद खीर और चूर में छोटे चॉकलेट बच्चों को बांट देना, बहुत फायदा होगा, करके देखो। 21 दिन भी कर लो, बहुत काम हो जाएगा, ओनली फॉर 21 डे, बस करके देखो काम होगा। मैं कोई यहां से दिलासा देने के लिए नहीं देता हूं, श्रद्धा से करना, भाव से करना। और मंत्र है श्री श्याम देवा ये ना, मैं कल आपको श्याम बाबा के 5 मंत्र बताऊंगा, श्याम बाबा के और नाम बताऊंगा। हम श्याम बाबा को क्या पान क्यों चढ़ाते हैं, नारियल क्यों बांधते हैं, जब आज आगे बात बता दूंगा। और जब ये खाटू में जब वो श्याम को स्नान करते पता है क्या मिलता है, कुश्ती को काया मिले, दुर्बल को बल जोर, निर्धन को माया मिले, और बड़े बड़े को मिले को। और श्यामपुर में स्नान करने के बाद वहां पीपल का पेड़ है कि नहीं, कह रहे हैं
पिपल का पेड़ है, पिपल के पेड़ की परिक्रमा किया करो, प्रणाम किया करो वहां। वो बहुत बड़ा सोचते है ना श्याम के पास। महाराज जी कितनी बार उनका भाष्य तो है, कहते थे ना है कितनी बार विषय में पुरलिया रात चार बार बोलना पांच बार बोलना मतलब आप पक्के हो, आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। ये कॉन्फिडेंस जितना आपका बाबा के प्रति बोल रहे हैं, बाबा तू मेरा हो मैं तेरा हूं, आपकी दुनिया में आपकी ये कॉन्फिडेंस बोल रहे आपका, आपका ट्रस्ट बोल गया, विश्वास बोल गया, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाए। ऐसे ही तो होता है। अब चलो उसके बाद जब आगे जाते हैं हम थोड़ी दूर और आगे जाते तो बताएंगे श्याम मंदिर के राम बोलना क्यों राम रसायन तुम रे पास एक बूटी है कौन सी राम और आपके पास एक बूटी है श्याम नाम, श्याम नाम की बूटी। तो इसलिए कोई भी मनोरथ हो हनुमान जी का कोई मनोरथ अधूरा नहीं रह सकता। और मनोरथ जो हनुमान जी ना हनुमान जी तो हनुमान जी का जिक्र कर लेता हूं। हनुमान जी महाराज जी कोई माला नहीं ना वो राम नाम तुमने पाया ना नगरी में। लोगों ने कहा बंदर है इसको कीमती माला का पता नहीं, बंदर क्या जाने ये तो बंदर है इसको सबका दिल रचा रहा है कि मुझे माला मिल जाती मुझे मिल जाती, ये बंदर है पता नहीं इसको कैसे दे दी। उसने कहा इसमें राम नहीं है माला काम के लिए ले जाओ। अच्छा तेरे अंदर राम नहीं सिया राम थे सीने ये श्रद्धा ये विश्वास। हनुमान जी श्वास का रूप है। हनुमान जी किसके पुत्र बताओ। अब देखो ध्यान से सुनना हनुमान जी की बात। हनुमान जी श्वास और विश्वास का प्रतीक है। श्वास इसलिए है कि हनुमान जी में हनुमत तत्व है क्योंकि वह पवन के पुत्र है। और श्वास कैसे लेते हैं बताओ किससे आएगी श्वास पवन से तो श्वास है। हम श्वास लेते पवन की आवश्यकता होती है। जहां पवन नहीं आती वहां समस्या हो जाती है। आप दूर से दूर जैसे हिमालय की पहाड़ियों में जाते हो तो वहां श्वास लेने में तकलीफ होती है। कैलाश मानसरोवर जाते हो नहीं कोई जाते आए कैलाश मानसरोवर हाँ राज्य ठीक है। क्योंकि पवन के पुत्र है और प्राण तत्व है। इस प्राण के लिए श्वास कितने जरूरी है क्योंकि शंकर के रूप में विश्वास है। श्रद्धा विश्वास होते हैं तुलसीदास जी ने मानस को सबसे पहले कहा श्रद्धा विश्वास को देना। कौन सा अवतार है शंकर भगवान का ग्यारहवां रुद्र अवतार। तो शंकर भगवान हनुमान जी श्वास और हनुमान जी विश्वास है। इसलिए हर जीव भी हनुमत तत्व तो जरूरी है। आपने विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। मेरी कथा विश्वास पर चलती विश्वास के द्वारा खत्म हो जाते हैं। और हनुमान जी किसके शिष्य बताओ सूर्य के शिष्य सूर्य के शिष्य सूर्य सबको अपने समान किरण फेंकता है।
कंचन वरण विराज सुमे, सोना सबके लिए है, कंचन वरण सोना सबके लिए, सोना ये नहीं बोलते मैं इसके पास जाऊंगा नहीं जाऊंगा, सोना सब, सोना से सब प्रेम करते नहीं करते, लाए सोने में सब लाई करते, इसी तरह हनुमान जी को सब लोग प्रेम करते हैं। हनुमान जी कोड़ी पर बैठे रहते भैया, जो जीव हनुमान जी की शरण में जाता है ना उसके जीव के सब काम हो जाते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये दाद तुम पाई, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, हडूबर बाबा जय श्री श्याम। उसके बाद और जब हम आगे जाते हैं हनुमान जी को प्रणाम करके तो खाटू कितनी सीढ़ियां बताओ, श्याम बाबा कहते हैं तेरा न मेरा है, ये पूरी तेरा है, ठीक है, यहाँ आया तो तेरा मेरा मत करना, एकदम तो मेरा होके रहना, मैं तेरा हो जाऊंगा, बस तेरा सीढ़ियां जब पार करके बाबा का दर्शन होता है ना तो भक्त कह होता है बाबा कैसे लगते हैं, देव दरबार है सच्चा सोना, शक्ति धारी बैठा जोड़ा, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, हाटू वाले बाबा जय श्री राम। और बाबा का दर्शन जब भक्त करते हैं तो बाबा कैसे बैठे बताओ, रत्न जड़ित I'm not afraid.
सिंह बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अभी आरती होगी, आरती में मुख्य का समय है। आकाश जी का होटल में रुके हुए महाराज जी, जो भी भक्त मिलना चाहिए वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मिल सकते। अभी